नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। धनतेरस दिवाली के दिन इसे लाना ना भूलना, जन्म जन्मांतर के गरीबी को मिटा देगा। दोस्तों, इस बार 2023 में जो दिवाली पड़ रही है वो बहुत ही दुर्लभ शुभ संयोग में पड़ रही है, क्योंकि इस दिन रविवार है और धनतेरस का जो पावन पर्व है वो शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। तो माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने का ये सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि दीपावली का पावन पर्व रविवार को पड़ रहा है और धनतेरस का पावन पर्व शुक्रवार को पड़ रहा है। ये दोनों दिन माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस दिन माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान गणेश जी, धन्वंतरी भगवान और कुबेर जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय है, और यह समय बड़े मुश्किल से मिलता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आप अपने घर में लेकर आकर रखते हैं धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन, तो निश्चित ही तौर पे आपके किसी भी टाइम लेकर आ सकते हैं, आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी तो दूर होगी होगी, साथ ही जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। यदि इन्हें ला करके पूजा स्थान पे पूजा करने के बाद अगर धन पेटी पे रखेंगे तो आपका घर हमेशा अन्न धन से भरा रहेगा। इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि माता लक्ष्मी जी को आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की अच्छे अच्छे जानकारी आपको भी सीखने को मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पहले नंबर पर है तांबे के कमल में बैठी हुई मूर्ति या फिर कमल में बैठी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति। ये दीपावली धनतेरस के दिन घर में ला करके अवश्य स्थापित करें। चाहे तो आप धनतेरस के दिन लेकर स्थापित करें या फिर आप दीपावली के दिन भी लेकर आएं और स्थापित करें। बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए माता लक्ष्मी जी। माँ लक्ष्मी जी हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी करती हैं अगर बैठी हुई मुद्रा में आप लेकर आते हैं, या फिर आप चाहें तो माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति, तांबे की मूर्ति अगर है तो बहुत ही अच्छा रहता है अगर इसे आप अपने घर पर लेकर आते हैं, चाहे धनतेरस के दिन लेकर आए या फिर दिवाली के दिन। तो सोने पर सुहागा, घर आपका हमेशा धन से भरा रहेगा। दिवाली के दिन एक मिट्टी का कलश लेना है, उसे चावल से भर देना है। चावल पर एक रुपए का सिक्का और एक हल्दी की गांठ डाल करके आपको ढक्कन लगा देना है, फिर किसी भी योग्य ब्राह्मण को आपको दे सकते हैं धनतेरस या फिर दिवाली के दिन। इससे अचानक धन मिलता है, कर्ज का भार उतर जाता है। अगला प्रयोग, अगर आपको सफलता चाहिए, हर कदम पर पैसा चाहिए आपको, हर कार्य आपके बन जाए तो देवी माता लक्ष्मी जी को कौड़ी जरूर चढ़ाएं। बाजार से इस दिन खरीद कर लाएं और माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर दें, माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, साथ ही साथ कुबेर जी भी प्रसन्न होते हैं। दीपावली या फिर धनतेरस के दिन केले के पेड़ पर हल्दी का टीका लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी जी की दिव्य शक्ति की कृपा प्राप्त करने का अच्छा समय है। साथ ही इस दिन बेल वृक्ष की पूजा भी जरूर करें तो माता लक्ष्मी जी अपार धन धान से आपका घर भर देती हैं। अगला उपाय करें, दो चूड़ी एक फीता, लाल कपड़ा चुनरी, इसे बेल वृक्ष पर बांधने से या फिर पीपल वृक्ष पर बांधने से या फिर तुलसी के पौधा पर अगर बांधा जाए तो जीवन में चल रही परेशानी, मुकदमा या फिर किसी प्रकार के जीवन में आपको कष्ट, तो जीवन में आपको लक्ष्मी संबंधित जो भी परेशानी, हर प्रकार की परेशानी दूर होती है। लक्ष्मी चरण पादुका, हो सके तो आपको धनतेरस दीपावली के दिन घर में ला करके अवश्य पूजा स्थान पर स्थापित करें, इससे हमारे घर में धन की बढ़ोतरी तेजी से होती है। आइए जानते हैं ऐसे कौन सी जड़ है जिसे घर में ला करके आप धनतेरस दिवाली के दिन स्थापित करने से हमारे घर अन्न धन से भरे रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जड़ लेकर आना है, चाहे धनतेरस के दिन लेकर आए या फिर दिवाली के दिन। केले का जड़, जी हाँ दोस्तों, केले का जड़, जी मित्रों बड़े ध्यान से सुनिएगा, केले का जड़ अगर आप इसे ला करके धनतेरस या फिर दिवाली के दिन अपने घर पर स्थापित करते हैं, कैसे लेकर आना है, कैसे स्थापित करना है, आइए विस्तार से बताते हैं। अगर आप केले की जड़ धनतेरस या दिवाली के दिन आप जाते हैं और इसे आप खोद कर निकालते हैं और फिर इसे अच्छी तरह से जल से धो लें, फिर इसमें गंगा जल से अच्छी तरह से धो लें
और इसमें हल्दी का टीका लगा करके पीले कपड़े पे आप इसे बांध करके, यानी कि इसकी पोटली बांध करके, और फिर इसे पूजा स्थान पर रख दें या फिर इसे धन के स्थान पर रख दें, तो अन्य धन से आपका घर भर जाता है, कभी भी आपके घर में गरीबी नहीं रहती, गरीबी कोसों दूर चली जाती है और जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटा देता है। इस जड़ को जरूर लेकर आए, आगे आपकी मर्जी। दोस्तों बताना चाहेंगे कि आपको दीपावली या फिर धनतेरस के दिन केले की जड़ को जरूर लेकर आना है, सारा घर अन्न धन से भर जाएगा, क्योंकि केले का पेड़ विष्णु जी का स्वरूप है और दोस्तों इसमें माता लक्ष्मी जी भी वास करती हैं धनतेरस और दिवाली के दिन। इसलिए जब भी कभी पूजा होता है तो केले के पत्ते जरूर हम यूज करते हैं। इसलिए आपको इतना ध्यान रखना है कि केले की जड़ को आपको दिवाली के दिन जरूर लेकर आना है और अपने घर पर धन के स्थान पे पीले कपड़े में इसे बांध के रख दें। साथ में अगर एक रुपए का सिक्का भी इसके अंदर डाल के रख दें तो बहुत ही अच्छा सोने पर सुहागा। अगली जड़ है सीता फल की जड़। सीता फल यानी सीता फल का जो वृक्ष है, इसकी जड़ भी अगर, इस पेड़ की जड़ अगर मिल जाए, चूंकि आसानी से मिल जाएगा, ये दोनों की जड़ अगर आप ला करके गंगा जल से धोकर के लाल कपड़े में या फिर पीले कपड़े पे पूजा स्थान पर रख देते हैं, धन के स्थान पर रख देते हैं, तो सारी उम्र आप अन्य धन से आपका घर भरा रहेगा। आपके घर में माँ लक्ष्मी जी सारी उम्र धन बरसाएंगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यानी कि सीता फल की जड़ भी अगर मिल जाए तो इसे भी जरूर लेकर आए, लेकिन दोस्तों केले की जड़ जरूर लेकर आनी है। केले की जड़ आपको मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी, बहुत ही आसानी से इसे जरूर लेकर आए। या फिर आप चाहें तो शमी के वृक्ष की जड़ भी लेकर आ सकते हैं, या फिर आपको शमी के वृक्ष की जड़ लेकर आने से भी आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों आप धनतेरस या फिर दिवाली के दिन आप कछुआ लेकर आए और इसे पूजा स्थान पर रख दे तो बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही उत्तम माना जाता है। और दोस्तों सुराही यानी कि घड़ा, अगर आप धनतेरस या फिर दिवाली के दिन घड़ा लेकर आते हैं तो घड़े को आप हमेशा पानी भरकर रखें या फिर आप चावल भरकर रखें हमेशा, तो आपका घर कभी भी धन से खाली नहीं होता है, हमेशा धन से भरा रहता है आपका घर। तो दोस्तों आपको बता दें कि आप इस दिन केले की जड़ जरूर लेकर आए, केले की जड़ बहुत ही शुभ और बहुत ही पवित्र मानी जाती है, दिवाली के दिन इसे लेकर आए और अपने घर पर स्थापित करें, जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटा देता है, आगे आपकी मर्जी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जी अवश्य लिख दीजिएगा। जय माता लक्ष्मी।